ये सारे बनी शेल्टर होम में ये सर्दियों का सामान जा रहा है सैलाब जदगान के लिए। इसमें जैकेट्स और गर्म कपड़े हैं, उस साइड पे सारे उनके ब्लैंकेट्स और सारा सर्दियों का सामान इनका है। हमने सिंध में हमने दादू के पास जो छापरा सिटी बनाई है, जो बांस से हमने बनाए थे, वो सारे अब उनको हम कवर कर देंगे, सर्दियों के हिसाब से उनको महफूज कर देंगे। उन लोगों के लिए सैकड़ों लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, अब वो सर्दियाँ वहाँ सुकून से गुजार सकेंगे और ये गर्म कपड़े लिहाफ ब्लैंकेट से सब जाएंगे। ये आप इसे सारिमबनी शेल्टर होम में जो चीज़ देख रहे हैं, उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सामान जो हमारे पास आया है, पूरी पूरी रात बैठ के हमारी ख़वातीन ये शेल्टर की इनकी सॉर्टिंग करती हैं, पूरे पैकेट्स बनाती हैं। ये हमारी सारी टीम के लोग हैं। बाबा एक मिनट हटिएगा, ये पीछे जो हमारा सारा ये सामान है, ये रात को पैक किया गया है, सब रात को पैक किया है लेडीज़ ने, ये सब सामान पैक किया है और अब ये उन भाइयों को और बहनों को मिलेगा, बलूचिस्तान में भी मिलेगा और सिंध में भी मिलेगा, इसके अलावा जिन इलाकों में भी उनको ज़रूरत होगी ये जाएगा और वो अपनी सर्दी को इससे महफूज करेंगे। अल्लाह ताला इस कौम के सबको, इस कौम में अल्लाह पाक सलामत रखे, वो हाथ भी सलामत रखे जो ये सामान देते हैं, वो हाथ भी सलामत रखे जो वहाँ पहुँचाते हैं, और अल्लाह उनको भी सलामत रखे और ज़िंदगी दे जो इस मुश्किल से दो चार हैं। ये सैलाब की चीज़ें अभी ख़त्म नहीं होंगी, ये अभी मज़ीद कुछ महीने चलेंगी, इसी तरह हाथ जोड़े रखिए। और जिन ख़वातीन को लोग घर से ये कहकर निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं, कोई कहता है हम पर बोझ बन गई, तो मैं कहती हूँ वो बोझ नहीं है, वो तो इतनी खूबसूरत माएँ बेटियाँ हैं जो गैरों के लिए इस तरह से सामान पैक करके भेजती हैं। ये उनके हाथ की पैकिंग है जो उन्होंने रात भर की और सुबह फजर के बाद उन्होंने पहुँचाई है। और मुतवातिर मेरे शेल्टर होम से, सारिमबनी शेल्टर होम से मुतवातिर ये औरतें, ये बच्चे अपने खिलौने इन बच्चों ने भेजे हैं सैलाब जदगान के लिए, इन औरतों ने अपने कपड़े उनके लिए भेजे हैं, क्योंकि इनके पास जो भी चीज़ इजाफी है वो यकीनन उन्हीं मुस्तहकीन के लिए है। और इनसे ज़्यादा सारिमबनी शेल्टर होम या किसी भी इदारे में रहने वाले इंसान से ज़्यादा कोई नहीं समझता कि बेघर होने का दुख क्या है, सामान के छिन जाने का दुख क्या है, और बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स जो हमें चाहिए होती हैं, उनको पूरा करना आज के दौर में कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला हर नेक सोच, हर नेक नीयत को सलामत रखे और ये सामान बाहिफाजत वहाँ पहुँचे। और सारिमबनी ट्रस्ट जो पिछले 4 महीने से मुतवातिर टेंट सिटी, छापरा सिटी उसको बना के और उन लोगों को चला रहे, सैकड़ों लोगों को, अल्लाह आपको भी जजाय खैर दे जिन्होंने सामान यहाँ दिया, जिन्होंने इनको पहुँचाया, मेरी ये पूरी टीम, इनको सलामत रखे अल्लाह और उन लोगों के लिए आसानी करे जो इस सैलाब में मुबतला हैं, और जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आए। हम सबका साथ उन्हें बहुत जल्द वापस ज़िंदगी में लाएगा इंशाअल्लाह।